हेलो दोस्तों, आज हमारे जो टॉपिक रहेंगे इस वीडियो में वो है मीनिंग ऑफ बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन का अर्थ क्या होता है, एम्स एंड आइडियल्स ऑफ बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन का आइडियल क्या है या एम क्या क्या है, उसके मकसद क्या है। कोर्स ऑफ बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन में क्या क्या शामिल होता है। मेरिट्स ऑफ बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन के मेरिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं, डीमेरिट्स क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अभिषेक एंड आई एम योर ट्रेनर फ्रॉम बीपीएस एकेडमी। तो बीपीएस एकेडमी के इस चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे टॉपिक जो है वो बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसमें है एम्स एंड आइडियाज ऑफ बेसिक एजुकेशन, उसका अर्थ क्या होता है, उसके कौन कौन से कोर्सेज हैं, उसके फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ बेसिक एजुकेशन, यानी बेसिक एजुकेशन का अर्थ क्या है। वारदा स्कीम के अनुसार जो नई तालीम है वही बेसिक एजुकेशन है, वो एक ही बात है। और बेसिक एजुकेशन, बेसिक का मतलब होता है फंडामेंटल, बेस, जो एकदम मूलभूत जो होता है उसको बेसिक एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। इट मींस दैट स्कीम ऑफ एजुकेशन वाज बेस्ड ऑन नेशनल कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि स्कीम एजुकेशन नेशनल कल्चर और सिविलाइजेशन के हिसाब से होनी चाहिए इंडिया के, और इसका क्लोज रिलेशन होता है नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द एजुकेशन। एजुकेट जो होते हैं उसके नीड और इंटरेस्ट के हिसाब से ये बनाया जाता है कि उसको फ़ायदा होना चाहिए इस एजुकेशन के हिसाब से। ये ट्राई कर सकता है, आप ये कोशिश करता है कि आप एक जो लर्नर है, जो सीख रहा है, उसके अंदर ज्ञान दिया जाए, ऐसा ज्ञान जिसका डायरेक्ट रिलेशन उसके एनवायरनमेंट्स में हो, वो जिस माहौल में रह रहा है उससे रिलेटेड उसका एटमोसफेयर होना चाहिए या एनवायरनमेंट होना चाहिए उस नॉलेज को यूज़ करने के लिए। तो ये उसके मीनिंग हो गए। अब हम बात करते हैं एम्स ऑफ बेसिक एजुकेशन, यानी बेसिक एजुकेशन के एम्स क्या हैं और आइडियल्स क्या क्या हैं। तो अगर हम एम्स की बात करें तो बेसिक सिखाना उसका सबसे बड़ा एम है। फिर लाइवलीहुड, जीवन यापन करना उसके लिए एक एम है। फिर कैरेक्टर फॉर्मेशन, चरित्र विकास एक एम है। फिर कंप्लीट डेवलपमेंट, यानी संपूर्ण विकास होना चाहिए, सोसाइटी के लिए फायदेमंद होना चाहिए और सोसाइटी के साथ सिंक होके काम करे, सोसाइटी के अगेंस्ट में ना जाए, उसका ओवरऑल विकास होना चाहिए, ओवर ऑल ऑलराउंड ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन, यानी आत्म उसको निरीक्षण करना चाहिए, खुद से अवेयर रहे वो बंदा। डेमोक्रेटिक आइडिया होना चाहिए, सांप्रदायिक उसकी विचारधारा होना चाहिए। आइडियल फॉर सिटीजनशिप, यानी जो नागरिकता की होती है भावना वो उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए, और अच्छा नागरिक बने वो, अच्छा चरित्र रहे उसका। और गॉड रियलाइजेशन, यानी कि भगवान के अंदर उसका विश्वास हो और गॉड का रियलाइजेशन उससे हो। तो ये बेसिक आइडियाज हैं एजुकेशन के, बेसिक एजुकेशन के। अब हम बात करते हैं कोर्सेज ऑफ बेसिक एजुकेशन, यानी बेसिक एजुकेशन में शामिल क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो सबसे पहले इसमें बेसिक क्राफ्ट आता है, मदर टंग आता है, मैथमेटिक्स आता है, सोशल स्टडीज़ आता है, गणित आता है, मैथमेटिक्स मतलब गणित आता है, जनरल साइंस आता है, साइंस आता है, ड्राइंग आता है, म्यूजिक आता है, हिंदी आता है। ये सब बेसिक एजुकेशन के कोर्सेज होते हैं जो बेसिक एजुकेशन में पढ़ाए जाते हैं। अब हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ बेसिक एजुकेशन, यानी बेसिक एजुकेशन के फायदे क्या हैं। सबसे पहले आइडियल बेसिक आइडियल बेसिक स्कूल होती है जहाँ बेसिक एजुकेशन पढ़ाई जाती है। ये कंपलसरी और फ्री एजुकेशन होती है, इसमें कुछ वेस्टेज नहीं होता है। इसमें सबसे पहले नागरिक के जो ट्रेड्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, ये लाइफ से बहुत ही नज़दीक होके काम करता है, जो रियलिस्टिक लाइफ में जो फायदे होते हैं, जो बातें होती हैं वही समझाई जाती हैं। ये बहुत प्रोडक्टिव होता है, बहुत फायदे होते हैं विकास, जो आदमी जो सीखता है बेसिक एजुकेशन उसके जीवन में बहुत ये सीधा फायदा देती है। मदर टंग में होती है, ये मातृभाषा में पढ़ाई जाती है, इंडियन कल्चर का विकास करती है, प्रोडक्ट सेंट्रिक होती है ये, आइडियल्स हो, आइडियल एजुकेशन है, इसके प्रिंसिपल्स बहुत हाई होते हैं, जो टीचर्स और टीचर्स होते हैं वो बहुत ट्रेंड होते हैं, और ये आपके जिस जो वातावरण में आप रहते हैं उससे बहुत नज़दीक होके काम करती है। तो ये मेरिट्स होती है बेसिक एजुकेशन की। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ बेसिक एजुकेशन, इसके नुकसान क्या क्या हैं। ये ज़्यादा फायदेमंद नहीं होती है अर्बन एजुकेशन के लिए, अर्बन के जो लोग होते हैं, जो सोसाइटी अर्बन सोसाइटी में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, उनके लिए फायदेमंद नहीं होती है। इससे जो एजुकेशन है उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, यानी कि जो एजुकेशन है उसका कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है, उसका हम कह सकते हैं व्यापारिक हो रही है एजुकेशन। अब यह इसका कोई रिलेशन चाहिए बेसिक क्राफ्ट और जनरल एजुकेशन के साथ, इसका डायरेक्टली कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। जो कल्चर को बनाने बचाने की बात है वो भी इनसफिशियंट है, पूर्ण रूप से कल्चर को नहीं बचा पा रही है, ये बहुत महंगी है, और ये नेगलेक्ट करती है सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में जो बच्चा सीखने वाला है उसको नेगलेक्ट करती है। तो ये सारे उसके डीमेरिट्स हैं बेसिक एजुकेशन के।
थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ इस चैनल को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन।